खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताएं, जहां 100 से अधिक महिलाओं की घर वापसी कराई गई है। बरका खुर्द गांव की 100 से अधिक महिलाएं हिंदू बनी हैं। विधि विधान के साथ महिलाओं की हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई। पूजा पाठ और हवन कर हिंदू धर्म में सभी महिलाओं को शामिल कराया गया, जिसमें आरएसएस, वीएचपी और कई धार्मिक संगठन के लोग मौजूद रहे। इचाक प्रखंड में धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखें 100 से अधिक महिलाओं को वापस हिंदू धर्म में घर वापसी कराई गई है। इन्हें एक स्वर से समझ भी गए कि हम लोग कुछ प्रलोभन के तहत हम लोग भटक गए थे, लेकिन तब है कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम लोग अपनी सहमति से हम लोग पुनः घर वापसी करेंगे और उसी के तहत उसी के आलोक में आज हवन का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके माध्यम से लोगों को घर वापसी का कार्यक्रम किया जा रहा है। सैकड़ों महिला पुरुष आज सनातन धर्म में वापस हो रहे हैं। मेरा कहना है कि हमारा सनातन सभी धर्मों से सर्वोपरि है। हमारा धर्म किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन हमारे धर्म को यदि कोई धर्म नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो इसे हम किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। अपने घर में सब वापस आ रहे हैं, बाहर जाके महसूस कर लिए, बाहर का माहौल देख लिए, सबको समझ में आया कि अपने घर में ही आने से समाज और संस्कृति की रक्षा होगी, इसलिए सब वापस आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और सामाजिक समरसता के लोग लगे और इनको जब विषय रखे तो बहुत हर्ष के साथ में वापस आ रहे हैं। बताया जा रहा था कि पिता जो है वो भगवान है और पति कुछ नहीं है, पति का पूजा नहीं करना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, अब पिता का पूजा करो सब चीज मिलता है। पहले जिस धर्म में जा रही थे तो वो धर्म छोड़ दिए, अपना धर्म हिंदू धर्म में आ गए। देखिये, हजारीबाग के इचाक प्रखंड क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण के खेल की जो खबरें हैं वो सामने आती रहती थी, लेकिन आज जो है सामाजिक पहल से इनके जो मनसे थे उस पर जो है पानी फेरने का काम किया गया है। हजारीबाग के अभी हम वही बरका खुर्द पंचायत में है, जहां पर आज सैकड़ों की संख्या में जो तमाम महिलाएं हैं जो धर्मांतरण की ओर जो है रुख कर रही थी, आज वे सभी जो है घर वापसी कर रही है। आपको बताते चले कि समाज का जो है एक अच्छा पहल इसमें देखने को मिल रहा है और लोगों को जो है एक समझाने बुझाने के काम करने के बाद जो है आसपास के जो गांव की जो महिलाएं थी जो धर्मांतरण की जो है वो चपेट में आ रही थी, और उसके बाद जो है यह पहल करने के बाद आज सभी ने जो है वो अपनी घर वापसी कर ली है। ये महिलाएं बताती हैं कि इनको जो है कुछ पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा था, बीमार दूर करने का प्रलोभन दिया जा रहा था और उसके बाद जो है इन्हें समझाया बुझाया जा रहा था, लेकिन आज जो इस सनातन धर्म के लोगों ने जो प्रयास किया है उसके बाद जो आज घर वापसी करने का काम किया जा रहा है। महिलाएं जो है आज इस हवन कार्यक्रम में जो है शामिल हुई है और शामिल होने के बाद जो है काफी खुशी महसूस कर रही है, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं वो अब घर वापसी कर चुकी हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। झारखंड में धर्मांतरण का धंधा घुसपैठ के जरिए धर्मांतरण का खेल, कहीं खतरे में आदिवासियों का अस्तित्व, कहीं सनातन पर मंडराया संकट। गढ़वा से हजारीबाग तक धर्म का धंधा, धर्मांतरण का धंधा, कौन चलाएगा डंडा? और अब बात करते हैं झारखंड में जबरन हो रहे धर्मांतरण की। गढ़वा से लेकर हजारीबाग तक जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि लोगों को बीमारी ठीक होने का झांसा दिया जाता है और कुछ पैसे का लालच देकर इनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एक बार फिर धर्मांतरण का धंधा खूब तेजी से बढ़ रहा है। गढ़वा से लेकर हजारीबाग तक जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सोनेहारा गांव, जहां बाहर से आए एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने घर में जमा हुए लोगों के बीच बाइबल बांटते पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पैसे का लालच देकर गरीबों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और हिंदू देवी देवता का अपमान भी किया जा रहा है। पूरे मामले पर आरएसएस के लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग की है। जो यीशु मसीह हैं उनका भय दिखाकर
और हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू और सनातन संस्कृति है, उसके बारे में अनुचित बातें कहकर प्रलोभन देकर यहाँ पर जो अपने भोले भाले लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनका धर्मांतरण कराने का गंदा कार्य कर रहे थे। समाज में दुर्भावना भरते हुए, समाज में विद्वेष उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयास किया और विद्वेष उत्पन्न करते हुए धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। धर्मांतरण का धंधा सिर्फ गढ़वा तक ही सीमित नहीं है, हजारीबाग में भी ईसाई मिशनरीज की ओर से भोले भाले लोगों को कीर्तन के नाम पर धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इचका प्रखंड के दरिया गांव में एक कमरे में 20 से ज्यादा महिलाएं कीर्तन कर रही हैं। ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो लोग उसे रोकने पहुँच गए, जहाँ गाँव वालों के साथ उनकी तीखी बहस हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि लोगों को बीमारी ठीक होने का झांसा दिया जाता है और कुछ पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करवाया जाता है। हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जाता है, झूठा लालच दिया जाता है। ये सत्संग है, हिंदू धर्म के नाम पर हम लोग को यहाँ बुलाया जाता है और इसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। उन लोग को ये भी नहीं बताया जाता है कि धीरे धीरे इनको कन्वर्ट किया जाएगा ईसाई धर्म में। कुछ क्रिश्चियन लोग का इन मनोबल वहाँ से इन लोग को मिल रहा है, कुछ पैसे वगैरह देते हैं, 10-20 हजार करके मंथली उन लोग को दिया जा रहा है और मन को मोटिवेट करने के लिए उनको बताया जा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको बीमारी ठीक होता है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून भी सख्त है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फल फूल रही धर्मांतरण की जड़ें कौन काटेगा। न्यूज 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप और हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। उत्पाद विभाग में सिपाही बनने के सपने ने झारखंड के 12 परिवारों के चिराग बुझा दिए। इन होनहार युवकों की मौत को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई अभ्यर्थियों की मौत की वजह हार्ट अटैक भी बताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दौड़ते वक्त दिल का दौरा, अभ्यर्थियों की मौत का पूरा सच। हार्ट अटैक से हुई अभ्यर्थियों की मौत, 12 मौत की अनसुलझी पहेली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। उत्पाद विभाग में सिपाही की दौड़ ने 12 परिवारों की खुशियां तबाह कर दी। सबके दिल में बस एक ही सवाल, आखिर कैसे हुई इन युवकों की मौत। होनहार युवाओं की मौत का मामला गर्माता जा रहा है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अभ्यर्थियों की हार्ट अटैक से मौत की बात आ रही है, कुछ को लीवर और किडनी में दिक्कत थी। अभी कई और वजहों का भी खुलासा हो सकता है। कुछ के बॉडी पार्ट्स को लैब भेजा जा रहा है, कुछ मरीज का हार्ट सामान्य से ज्यादा बड़ा था। एनर्जी बूस्टर के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं है। मृतकों के मेडिकल हिस्ट्री की भी जांच कराई जा रही है। बहरहाल अभ्यर्थियों की मौत की सही वजह वेसरा रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी, लेकिन शुरुआती ऑब्जर्वेशन के मुताबिक एनर्जी बूस्टर या फिर अन्य सप्लीमेंट के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ज्यादातर केसेस में जो है वो हार्ट या फिर किडनीज में ही दिक्कतें आई हैं। उनका जो है हार्ट थोड़ा बड़ा मतलब प्रतीत हो रहा है और इसलिए जो है उसी के चलते हम लोगों ने टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भी भेजा है, सो दैट कि वहां से अगर रिपोर्टिंग आती है तो हम लोग चीज़ों को और पुख्ता रूप से रख पाएंगे। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं तो पहले उनके प्राइमरी ऑब्जर्वेशन होते हैं कि जो विसरा हैं उनमें क्या है, और उसके बाद की जो रिपोर्ट होती है टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट, उससे फिर पता चल सकता है कि क्या कोई सब्सटेंस अब्यूज की चीज थी या कोई ऐसी चीज थी जो किसी के कारण हुआ है। इस मामले पर सियासत हो रही है। बीजेपी अपने हिसाब से 15 अभ्यर्थियों की मौत का दावा कर रही है। हेमंत सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगा रही है, तो बचाव में उतरे कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर नई कहानी बनाने का आरोप लगा दिया है।
देखिए 15 लोगों की मौत हो गई हमारे आंकड़ों के अनुसार, उसके बाद सरकार की नींद टूटी है। ये तो वही सरकार है जो कोरोना में ऑक्सीजन और दवा के इंतजाम के जगह कफन का इंतजाम कर रही थी, और काश इन्होंने मेडिकल जांच जो अब मौत के बाद ये करा रहे हैं, ये मेडिकल जांच इन्होंने दौड़ने के पहले करा ली होती तो 15 घरों के चिराग नहीं बुझते। ये हत्यारी सरकार है, इस सरकार के ऊपर इन 15 घरों के चिराग को बुझाने का पूरा आरोप लगा है, और इस सरकार ने ना तो मुआवजा दिया है, ना ही इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की है, ना इलाज के लिए पैसा दिया है। दौड़ने का जो कितना किलोमीटर दौड़ना है, उसके जो भी प्रक्रिया है, उसके प्रारूप में किस तरीके से दौड़ रहे हैं बच्चे या खाली पेट दौड़ रहे हैं, एक सरकार भी जांच के आदेश दिए। और भारतीय जनता पार्टी नित नई नई कहानी गढ़ रही है, मैं समझता हूँ उन अभ्यर्थियों के लिए दुखदायी है। उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ भले ही 3 दिनों के लिए स्थगित हो गई, लेकिन 12 युवाओं की हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन युवाओं की मौत का जिम्मेदार कौन है? रांची से न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की, और इस मुलाकात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सीट शेयरिंग से लेकर चुनाव की रणनीति पर भी बात हुई है। चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन ने इतना जरूर कहा कि हम लोग मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी चलाएंगे। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। बहुत दिन से संयोग से वक्त नहीं मिल रहा था, नीचे मिला और एक शिष्टाचार मुलाकात थी। सर, झारखंड चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई आप लोगों की? अब होगी। और देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामने के बाद कोलान के 14 विधानसभा सीट का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने पोटका विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया और जीत का दावा करते हुए कहा कि झारखंड में परिवर्तन की लहर है। अब परिवर्तन का लहर है, पूरा झारखंड का लहर हम बता रहे हैं परिवर्तन है। ये परिवर्तन कोई एक क्षेत्र थोड़ी होता है, ये झारखंड में परिवर्तन का लहर है। जो पार्टी हमको दिया है दायित्व, तो वही ना काम करेंगे हम, अलग से थोड़ी होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मिजाज लोकसभा की तुलना में पूरी तरह अलग नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में जो प्लानिंग की कमी और मुद्दों की गर्मी की कसर बाकी रह गई थी, उसे अब विधानसभा चुनाव में पूरा करने की बेताबी साफ नजर आ रही है। तो कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी की प्लानिंग का कोई असर नहीं होगा। देखिए, एक तो निश्चित बात है कि 5 वर्षों से इस सरकार का जो मिसरूल था, भ्रष्टाचार और लूट और खसोट था, और जो युवाओं के साथ वादा खिलाफी थी, तो उससे ही सरकार का जाना तय था, सरकार के खिलाफ माहौल था। लेकिन हमारे जो दोनों बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान और जो हमें हेमंत विश्व शर्मा जी का सानिध्य मिला, उसके बाद आप एक ही लाइन में पूरे चीज़ को समाप्त कर सकते हैं, द जोश इज हाई। उससे संगठन से इनका क्या लेना, इनका संगठन क्या है हिंदू मुसलमान, इनका संगठन क्या है बांग्लादेशी घुसपैठी, इनका संगठन क्या है किसी धर्म को किसी धर्म से लड़ाना। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता। रांची में कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंधु तिर्की ने बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि सरना कोड पर मुंह बनाकर बोलते हैं पर करते कुछ नहीं है। सरना कोट के बारे आपको बहुत कमर लचका लचका के भाषण मारते हो, मुंह को टेढ़ा कर करके पागुर बांझ बांझ करके, तो यहाँ के बारे आप तो उसके बारे बोलो ना, आदिवासी गरीब गुरुआ लोग के बारे में पलायन कर जाता है, उसके लिए तुम्हारे पास क्या है? आदिवासी का जमीन लूटा गया, वो लूट का जमीन वापस करोगे कि नहीं करोगे, ये बात बताओ। घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ, अरे घुसपैठ बोल रहे हो तुम्हारे, तुम तो मुख्यमंत्री हो, आपने कितने लोगों को वहां से निकाल दिया।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अंतिम तैयारी में जुट गया है और इसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक काम हो रहा है। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, प्रशिक्षण का काम चल रहा है, वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव के बचे अन्य काम भी पूरे कर लिए जाएंगे। वोटर टर्न अराउंड टाइम मैनेजमेंट कर रहा है उसी को अभी कमीशन का वोटिंग स्पीड का बढ़ाने के लिए वोटर का लंबा कतार में नहीं रहना चाहिए उसको, उनका जल्दी वोटिंग कैसे करेंगे इसी के लिए हम लोग को पूरा इलेक्शन मशीनरी के लिए हम लोग अभी इसी बार ट्रेनिंग तैयारी कर रहे हैं ताकि इसी बार कम समय पर वोटिंग का प्रक्रिया हो, साथ साथ में उनका वोटर टर्नआउट रिपोर्ट का है मतलब मतदान प्रतिशत का रिपोर्टिंग है उसका भी हम लोग एक पैप बना रहे ताकि वो पब्लिक का भी सही समय पर उनका वो मतदान का प्रतिशत प्राप्त होगी। इसे दो बिंदु पर नया बिंदु पर इसी बार काम कर रहा है, ऑलरेडी उसका इलेक्शन मशीनरी का प्रशिक्षण शुरू हो गया। खबर आपको रांची से बता दें जहां मोराबादी मैदान की बापू वाटिका में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उत्पात सिपाही दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों को श्रद्धांजलि दी है और इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने मौजूदा हेमंत सरकार को पूर्व की रघुवर सरकार की नियमावली याद दिलाई और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। शशांक राज ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की, साथ ही दोषी अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। ट्रेनिंग लेते हैं लोग लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से, उन पीड़ित परिवार जो 13 से ज़्यादा परिवार है उनको सरकार 50-50 लाख मिनिमम मुआवजा का राशि उन परिवार को देने का काम करे जो दोषी पदाधिकारी है जिनके वजह से। और लंबे इंतजार के बाद देश की राजधानी दिल्ली में झारखंड को अपना भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। दिल्ली के बंगला साहेब रोड पर बने इस अत्याधुनिक भवन में सभी सुविधाएं मौजूद हैं और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इस भवन में सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। 9,515 वर्ग मीटर में बना ये भवन 7 मंजिला है जिसमें 100 से अधिक कार पार्किंग की व्यवस्था है। भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल का सूट है, पहली मंजिल पर मुख्यमंत्री का ऑफिस भी है। झारखंड के लोगों को हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, आम लोग जो बीमार कोई इलाज के लिए आते हो, कोई और कार्यक्रम से आते हो, उनको भी सरकार के द्वारा उनके ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां से लोग इस भवन में बहुत आसानी से और बहुत सुगमता से अपने कार्यों को कर पाएंगे। और राज्य से आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस के प्रदेश सचिव से मांगी गई है रंगदारी। ईश्वर आनंद जिनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई है, बताया जा रहा है अमन साहू गैंग ने फोन कर ईश्वर आनंद से रंगदारी मांगी। अमन साहू गैंग ने व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजा है, 7 दिन में रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई है। कांग्रेस नेता ईश्वर आनंद पेशे से बिल्डर हैं, जगन्नाथपुर थाने में इसको लेकर FIR दर्ज करा दी गई है। तो विदेश में रहकर झारखंड में आतंक का साम्राज्य चलाने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं, झारखंड ATS ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ शिकंजा कसने जा रहा है। हम बदला के लिए रंगबाजी कर रहे हैं, हम जंग लड़ने के लिए रंगबाजी कर रहे। तुम्हारा मौत का फरमान इसके अंदर है। झारखंड के 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों पर झारखंड ATS बहुत जल्द शिकंजा कसने जा रही है। इनमें पहला नाम है कुख्यात अमन साहू गैंग के खासम खास मयंक उर्फ सुनील मीणा और दूसरा नाम है प्रिंस खान। अमन गैंग का गुर्गा मयंक उर्फ सुनील मीणा फिलहाल मलेशिया में बैठकर गैंग ऑपरेट करता है। मलेशिया और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है, अब इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे तो उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले हफ्ते ही हमने जो सुनील कुमार मीना है जो राजस्थान श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है, जो अपने आप को मयंक सिंह के नाम से अमन साहू के गिरोह के थ्रू एक्सटॉर्शन या बाकी जो संगठित अपराध को अंजाम देता है, इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भेज दिया गया है झारखंड पुलिस की तरफ से और बहुत जल्द ही इसमें इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस और साथ ही साथ इसका जो एक्सट्रेडिशन।
रेड कॉर्नर नोटिस उन अपराधियों के खिलाफ जारी किया जाता है जो एक देश में अपराध को अंजाम देकर दूसरे देश में छिप जाते हैं। उन अपराधियों की धर पकड़ के लिए इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इस समय 192 देश इंटरपोल के सदस्य हैं और यही देश रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकते हैं। यही वजह है कि झारखंड एटीएस और सीबीआई की अनुशंसा पर इंटरपोल ने दुबई में छिपे झारखंड के गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में उसके जल्द स्वदेश प्रत्यर्पण की उम्मीद जताई जा रही है। प्रिंस खान के विरुद्ध भी रेड कॉर्नर और एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस कंप्लीट कर दी गई है और बहुत जल्दी उसकी जहां पे भी है जिस भी देश में ये भागा फिर रहा है वहां उसकी गिरफ्तारी होगी और उसे भारत लाके इसे माननीय न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाएगा। विदेश में छिपे बैठे दोनों कुख्यात गैंगस्टर लंबे समय से झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ हो रही ताजा कार्रवाई आतंक के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने में बड़ा कदम माना जा सकता है। ओम प्रकाश, न्यूज 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।